कहेंगे 3 महीने और दे दो। तो आज ही जितनी मोहलत मांगनी है वो मांग लो। तो नहीं जी 3 महीने में सब कुछ याद कर लेंगे, कुछ भी याद नहीं होगा। जो याद होगा वो मुझे अभी याद है, क्या याद करना है आपने, क्या आपको पता है। उनका 3 महीने के बाद जब मैं आऊंगा तो पुलिस को दरखास्त देके मुनाजरा बंद कराया जाएगा और कुछ भी नहीं। या पुलिस अल मदद अल ग्यास, चुनाचे यही किया उन्होंने। 3 माह के बाद तारीख मुकर्रर हो गई। मैं घर से निकला तो मैं देहात में रहता हूँ, शहर उकाले की तरफ आ रहा था तो रास्ते में डाकिया मिला, उसने मुझे खत दिया। हजरत मौलाना बशीर अहमद साहब कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत लाहौरी के खलीफा में से, वो खत मिला कि मुनाजरा बंद हो गया है, आप ना आए। मैंने खत जेब में डाल लिया, मौलाना को धोखा दे दिया उन्होंने। मैं चला गया, मैंने कहा चलो किराया है ना आने जाने का। मैं जब वहां पहुंचा तो हजरत इतने परेशान थे, 50-60 गैर मुकल्लिद हमारे सारे मौलवी साहब आए बैठे, आओ मुनाजरा करो, आओ मुनाजरा करो। तो मौलाना ने सबको रोक दिया था कि कोई ना आए। अब मैं जब वहां पहुंचा, मौलाना मुझे देखना कि हाथ नहीं मिला, मैंने कहा जेब में है। फिर तू क्यों आ गया? हजरत आप फरमाया कि आना चाहिए था, लिखा था तूने बड़ी अकलमंदी की, मुझे तो बड़ा तंग कर रखा है। सब वो कागज लेके लाए हुए थे कि हदीस जो होगी उससे आसिता व माँ वाफा का बिहा, माँ वाफा का बिहा से होगी। सिहा लिखा था सीन के साथ, सिहा, और हा भी दूसरी लाहौर वाली थी, सिहा सिता। माँ वाफा का बिहा जो काफ है वो डंडे वाला था। तो मैंने पढ़ा ना, तो मैं पढ़ के जरा हंसा तो मौलाना ने कौन यूं हाथ तो अपनी उंगली मुंह पर रखी, बस चले गए। मैंने कहा हजरत ये क्या बात, आपने मुझे खामोश कर दिया था कि इन बेईमानों को सारी उम्र गलत पढ़ने दिया करो। इन्होंने कौन सा एहसान मानना है कि हमारी किसी ने तस्हीह कर दी है। जो गलत लिखे मैंने कभी इनको गलती नहीं बताई, सारी उम्र ही गलत लिखी। सारी उम्र ही गलत पड़े। और जब मैं पहुंच गया हमने ऐलान कर दिया तो भाई ठीक है हम आ गए हैं, आओ मुनाजरे के लिए। फिर भागे पुलिस की तरफ। हम बार बार ऐलान कर रहे थे कि 3 महीने मोहलत मांगी थी, आओ सुनते मुकद्दा की तारीफ सुनाओ हमें, आओ सही हदीस की तारीफ सुनाओ। फिर क्या देखो जी उनका स्पीकर भी बंद कर दो, हमारा भी बंद कर दो, हम बड़े परेशान हैं जी, उन्होंने हमें परेशान कर रखा है। तो इसके बावजूद 3 माह बाद मुझे फिर एक रसाला मिला, मुकाल में तरावी उसका नाम था, जिसमें लिखा था कि पसरूर में हनफियों की जिल्लत में शिकस्त। हम सारा दिन किताबें लेकर मुनाजरे के मैदान में बैठे रहे और कोई हनफी मुनाजर वहां नहीं था। ये उन हजरात का तरीक है। तो बहरहाल ये बात तो आपके ज़हन नशीन हो जानी चाहिए आज के दर्स में कि हमारे दलाइल 4 है और इसमें हमें कोई झिझक नहीं है। वो इनका एक आज का लश्कर चल, लश्कर तैयबा, वो जिहाद के नाम से लोगों को गोरा करती है। मुझे एक पूछने लगा जी लश्कर तैयबा में जाना चाहिए या नहीं। मैंने कहा नहीं जाना चाहिए। उनके 2 लड़के भी साथ है जी, क्यों? मैंने कहा कुरान के मुनकर हैं ये लोग। कुरान के मुनकर हैं? मैंने कहा हाँ। क्या दलील है जी? मैंने कहा देखिए हमारी भी तहरीक है हरकतुल मुजाहिदीन वगैरह और इनकी भी है लश्कर तैयबा। कुरान पाक में जहाँ जिहाद का जिक्र आया है वहाँ साफ तौर पर यह है कि जब जिहाद शुरू हो जाए तलाक तनाज़ और आपस में लड़ जाए, आप उसके झगड़े खत्म कर दो सारे, वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। ये पुरानी हुक्म है या नहीं? जी है। मैंने कहा हमारा साल निकलता है सदाए मुजाहिद, किसी महीने का उठा कर ले आओ, सिर्फ जिहाद का मौजूद होगा, इंडिया के खिलाफ बातें होंगी, रूस के खिलाफ होगी। एक सफा तो कुजा, एक सतर भी मुसलमानों को आवक में लड़ाने के लिए नहीं होगी। और तुम्हारा रसाला लश्कर तैयबा वालों को निकलता है अदावा, वो किसी महीने का ले आओ, मैं मुतय्यर नहीं करता। उसमें 5 सफे अगर काफिरों के खिलाफ है तो 30 सफे हनफियों के खिलाफ होते हैं। तो कुरान पाक ने कहा था कि आपस के इख्तिलाफात जिहाद के मौके पर खत्म कर दो। उनका जो जिहाद का रसाला है वो खुद कुरान का मुनकर है। वो अगर 5 सफे काफिरों के खिलाफ लिखता है तो 25 पर के 35 सफे मुसलमानों के खिलाफ लिखता है, आपस में लड़ाता है। तो क्या इस तहरीक में जाने की कुरान इजाजत देगा? अब वो जो थे हनफी वो तो समझ गए कहने के लिए बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा ये लोग तो कुरान की मुनकर है। तो वो 2-4 लड़के मुल्तान के नौजवान ले गए, कारोबारी थे, वो बस आ गए वहां ट्रेनिंग लेकर 3 महीने। अब वो ट्रेनिंग क्या थी? माँ से लड़ते तेरी नमाज गलत है, बाप से लड़ते, भाइयों बहनों को तो पीट देते कि गलत नमाज पढ़ता है। ये किस्सा शुरू हो गया। मौलाना मोहम्मद यासीन साहब तकमील के उस्ताद हैं, बड़े उस्तादों में खैर बनारस में। उनकी मस्जिद के थे वो नमाजी मुकद्दी, उनके थे पहले। उन्होंने एक प्रोफेसर साहब को कहा कि इनको अमीन के पास ले जाओ। वो 3 उनके काबू है, उनको ले आए। मैंने कहा हाँ भाई क्या बात है? जी नबी पाक की हदीस पर अमल करना चाहिए या फिका पर? मैंने कहा कुरान पर अमल करना चाहिए या हदीस पर? उनमें कोई इख्तिलाफ है? तो मैंने कहा फिका हदीस में कोई इख्तिलाफ है? नहीं वो कहते हैं फिका हदीस के खिलाफ है। मैंने कहा कहने वाले ये भी कहते हैं हदीस कुरान के खिलाफ है, कहने का क्या है? कहते हैं जी उनको कुरान हदीस आता नहीं, इनको फिका नहीं आती, इसलिए कहते हैं। मैंने कहा आप समझना चाहते हैं या आप शोर मचाना चाहते हैं? नहीं जी समझना चाहते हैं। मैंने वो किताब हदीस रहने हदीस दी उनको, उसमें रफाइदान न करने की तकरीबन 40 हदीसें हमने जिक्र की हुई है। मैंने कहा ये पढ़ लो बैठ के, उसके बाद बात करना। अब वो आप पढ़े और आपस में एक दूसरे को कहें यार वो झूठ ही बोलते रहे कि इनके पास हदीस नहीं, यहाँ तो बहुत सारी हदीसें, यहाँ तो बहुत सारी हदीसें। वो उन्होंने 1 घंटे में सारा बाप पढ़ लिया। मैंने कहा आप कुछ पूछ रहे? कहते नहीं जी बस हमें ये किताब बताए कहाँ से मिलती है। वो ठीक हो गई चलाई। अब वो 4था जो था उसके पीछे गैर मुकल्लिद मौलवी लग गया कि ये न चला जाए कहीं। लेकिन ये तीनों उसके पीछे के भी आओ वहां चलो, ले आए एक दिन। लेकिन अब उन्होंने सिखा के भेजा था कि तूने बात नहीं उसकी सुननी, खुद सवाल करने शुरू कर देने जा। आया जी आप मेरी बात सुने, मेरे सवाल का जवाब दें। उनको फरमाइए सबसे पहले मसला कहां से लेना चाहिए था, सबसे पहले मसला कहां से लेना चाहिए था चाहिए। मैं उसके सवाल का अंदाज समझ गया। मैंने कहा बेइज्जती ज़ेवर से। बाप जी उछले कूदे, देखो कहते इसके पास लाओ, कहता पहले मसला बेइज्जती ज़ेवर से लो। सारी दुनिया कहती है पहले कुरान से लो। मैंने उन साथियों को इशारा किया आंख से कि जाने दो ना देना, लेकिन जरा उछल लेने दो, बेचारे का गुस्सा निकल जाए थोड़ा बहुत। वो पढ़ के मैं नहीं बैठता, मैं बात सुनता ही नहीं इसकी। कहता पहले मसला बेइज्जती ज़ेवर से। सारी दुनिया कहती है कि मसला कुरान से लो। यार बात तो मैं तो इसकी बात सुनता ही नहीं। अब मैं इशारा करूंगा बैठा ले इसको, फिर बात तो सुन, थोड़ी सी बात सुन ले। तो क्या सुनी? वो कहता पहले बेइज्जती ज़ेवर से मसला लो। 5-7 मिनट तरफता रहा। फिर मैंने कहा भी बात देखो चलो मैं माजरत कर लेता हूं, मुझसे गलती हो गई। असल में हमें सच बोलने की आदत हो गई है, हम बहुत मजबूर हैं इस बारे में कि सच बोल देते हैं। तो फिर गर्म हो गया। अच्छा ये सच है कि पहले मैं मसला बेइज्जती ज़ेवर से लो? सच तो यही है। फिर जनाब बड़ा गर्व, देखो कहता है ये सच है, ये सच है। मैंने कहा अच्छा बैठ जा, इस वक्त तो समझने समझाने की बात है मुझे। मैंने कहा ये बात कहने में कोई झिझक नहीं है कि आवाम के लिए फिका ही है, वो फिका समझ रहा है। अब मैंने कहा तुझसे मैं सिर्फ दो बातें पूछता हूं, मुझे सही जवाब दे दे। हम यहां बैठे हैं, एक ईसाई आता है, वो कहता है जी मैंने मुसलमान होना है, उसे मुसलमान कर लिया, उसका नाम रहमत मसीह था, हमने रहमतुल्ला कर दिया। अब वो मुसलमान हो गया है ना, उस पर नमाज फर्ज है, तो मुझे जरा झिझक नहीं, मैं उसे भेजते देवरिया तालीम इस्लाम दूंगा कि भाई ये शर्तें हैं नमाज की, कपड़े साफ कर लो, बदन साफ कर लो, नमाज पढ़नी है। तू सच्ची बात बता के उसे कुरान पाक देगा तरने वाला के नमाज की शर्तें तलाश कर। देखा वो तो नौ मुसलम है ना, अभी मुसलमान हुआ है, तू कितने अरसे से नमाज पढ़ रहा है? 10 साल से। मैंने कहा तू तब मेरा कुरान लिया, पहले नमाज की शर्तें निकालता, पहले नंबर पर मैं देखू तू क्या करता है, कुरान लेकर देखे चारों पर। मैंने कहा तो क्या करना है, उस काफिर को पहले कुरान दिया जाएगा, वो मुसलमान हो गया है, वो बेचारा साल में कुरान का तर्जमा पड़ेगा तो शर्तें नहीं मिलेंगी उसको, फिर सारी सियासत 6 साल में पड़ेगा, शर्तें नहीं मिलेंगी, आखिर 7 साल उसकी नमाजें बर्बाद करके जो हम बेटी जेवर देंगे उसे, देखो उस बेचारे को पहले बेटी जेवर दे दे। तो ये देखो मैंने बात तो सच्ची कह दी है, लेकिन सच में क्योंकि करवाहट जरूर होती है, इसलिए आपको आदत हो गई है झूठ सुनने की, आपको झूठ अच्छा लगता है, इस सच्ची बात आपको अच्छी नहीं लगती। जब मैंने कहा निकालो शर्तें, अब खामोश। मैंने कहा अच्छा तुम नमाज पढ़ रहे थे, आखिरी अत्ताहियात में बैठे तो भूलकर अत्ताहियात की जगह आपने अलहम्द शरीफ पढ़ ली, ऐसा हो जाता है कि हो जाता है, मतलब बिस्मिल्लाह कुरान शरीफ रखा, निकालो ये मसला कि अगर अत्ताहियात की जगह अलहम्द शरीफ पढ़ ली जाए तो क्या किया जाए, कुरान पाक रखा है, पहले हम आपको कुरान ही देते हैं ना, हमारा दिमाग खराब है, हम आपको बेजबर दें, निकाले सियासता रखी है, निकाले। अब मसले की आपको इस वक्त जरूरत पड़ गई है, तो आप कितने सालों में किताबों का मुताला करेंगे, और आखिर हेर फिर के ये मसला आपको बेजबर नहीं मिलेगा तो ठीक है किताब। तो हमारा जुर्म ये है कि हम पहले नंबर पर क्या थे कि सब बेजबर पढ़े, हम इतने साल की आपकी नमाजें बर्बाद नहीं करते, खराब नहीं करते। देखा उनकी बात यह है कि मसला वो भी बेजर से दिखाते हैं, लेकिन हम सच बोल देते हैं कि मसला फिका का है, वो बेजर का मसला बता के आपको कहते हैं बुखारी शरीफ में है, आपको ले जाते। चलिए मैंने कहा यही अत्ताहियात वाला मसला आप उनके पास ले जाए, उन्हें कहे कि हमें सियासता से निकाल दे कि अत्ताहियात की जगह हम पढ़ देंगे, शरी रवायत हो कि अब क्या करना ले हो जाता। अब वो कुछ ढीला हुआ। मैंने कहा जिन फुकाहा के हम एहसान दे ही नहीं सकते कि उन्होंने इस अंदाज में मसाइल वाजे करके रख दिए हैं, शरायत अलग बता दी, अरकान अलग बता दिए, वाजबात अलग बता दिए, सुनते अलग बता दी, इतना हम पर एहसान किया, एक एक बात वाजे फरमा दी, गोया पकी पकाई रोटी हमारे सामने रख दी कि भाई खा लो। तो जो आदमी हमें पकी पकाई रोटी दे दे तो उसका शुक्रिया अदा करेंगे, गालियां देनी चाहिए उसको। वो जो 3 थे पहले कहने दीजिए, बिल्कुल शुक्रिया अदा करेंगे, गालियों को देनी चाहिए। मैंने कहा ये खाते हमारी रोटी है और गालियां भी हमें देते, ऐसे निमक हराम है ये लोग। अब इस बात पर फिर वो माना कि वाकई भी हम तो खुद कुरान पाक से मसला नहीं निकाल सकते, न हदीस से निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा जो खुद डॉक्टरी की किताब से नुस्खा ना लिख सके, फिर उसको डॉक्टर के पास जाना गुनाह है। मैंने कहा याद रखो हमें अल्लाह ने फोकाहा के सफर्द किया है, मुहदीसिन के सफर्द किया ही नहीं। चलेगी फलौला नफरा मिन कुल्ले फिरकत मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फी दीन वाले युनज़िरू कौमहुम इज़ा राजाऊ इलैहिम लअल्लहुम यअज़रून। और पूरा दीन हमेशा फुकाहा से मिलता है, क्योंकि फिका में सारे मसाइल आ गए, कुरान वाले भी आ गए, सुन्नत वाले भी आ गए, इजमा वाले भी आ गए, कियास वाले भी आ गए। तो पूरे मसाइल सवाए फिका की किताब के कहीं मिलते ही नहीं, इसलिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें फुकाहा के सुपुर्द किया है, किसी और तबके के सुपुर्द नहीं किया। बल्कि अल्लाह के नबी तो मुहद्दिस को दुआ दे रहे हैं, तो इसी शर्त पर नजर मकाला की फरमाकर बाद में